एक जहाज समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरता है। समुद्र में जाने से पहले बकायदा एक एक सामान और उसमें सवार 61 लोगों की कोरोना जांच होती है। जांच निगेटिव आने के बावजूद सबको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करके एक होटल में रख लिया जाता है। क्वारंटीन पूरा करने के बाद ही लोगों को रवाना किया जाता है। जहाज को वापस 20 जुलाई को आना होता है, लेकिन अपने तय वक्त से पहले ही ये 11 जुलाई को वापस लौट आता है। क्यों? क्योंकि जहाज पर सवार लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। जहाज जब वापस लौटता है तो उन सब की जांच होती है। जांच में 61 में से 57 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं। ये सब सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो, पर यकीन मानिए बात 16 आने सच है। कहां की है ये घटना, कैसे हुए वो लोग कोरोना पॉजिटिव, उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहें। दरअसल घटना है अर्जेंटीना के उशुआया की। यहाँ से मछली पकड़ने के लिए भारी तादाद में मछुआरे जहाज में सवार होकर समुद्र में उतरते हैं, एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्तों के लिए। तारीख थी 6 जून और साल था 2020। उशुआया से एशन मारू नाम का जहाज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा। जहाज में सवार सभी मछुआरे पूरी सेफ्टी का पालन कर रहे थे। जांच में निगेटिव पाए जाने के साथ साथ 14 दिन का क्वारंटीन भी वो पूरा करके आए थे। चलने से पहले भी जहाज पर सामान की अच्छी तरीके से जांच हुई थी। असल में इस जहाज को 20 जुलाई को वापस आना था, इसलिए सब लोग खाने पीने के इंतजाम के साथ चल रहे थे। कुछ दिन सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर एक एक करके सबकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। जहाज पर सवार डॉक्टर भी खांसी बुखार का शिकार हो गया, जिसके बाद ये जहाज पानी में सिर्फ 35 दिन ही रह सका और फिर इसे उशुआया के किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया। जांच हुई तो 57 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। 2-3 चीजें इस घटना में गौर करने वाली हैं। कौन कौन सी? पहली, जहाज पर सवार लोगों का कहना है कि जहाज को सूखी सतह पर कहीं नहीं रोका गया, ना ही पूरे सफर के दौरान कोई भी जहाज से नीचे उतरा। नंबर 2, सफर शुरू करने से पहले इंसान और सामान सबकी जांच हुई और सब कुछ एकदम फाइन मिलने के बाद ही यात्रा को हरी झंडी मिली थी। नंबर 3, पूरे सफर के दौरान जहाज का किसी दूसरे जहाज से भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब सब चीजों का पालन किया गया तो फिर आखिर कोरोना कैसे हुआ, ये गुत्थी है जिसको लेकर अब अर्जेंटीना सरकार माथापच्ची करने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं अल्फारो, उन्होंने बताया कि एक बड़ा रहस्य है कि नाविकों के 35 दिन जमीन से दूर रहने और अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आने के बावजूद भी वो कोरोना की चपेट में कैसे आए। चिकित्सा विशेषज्ञ अब इसका कारण ढूंढने में लगे हुए हैं। उनके मुताबिक एक टीम छूत के जरिए संक्रमण फैलने को देखते हुए नाविकों के लक्षणों की जांच कर रही है। वर्तमान में सभी नाविकों को जहाज पर ही आइसोलेट करके रखा गया है। उशुआया रीजनल हॉस्पिटल में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख हैं बल्टोर, उनके मुताबिक ये ऐसा मामला है जिस पर अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने भी इस संबंध में कोई चेतावनी या सलाह जारी नहीं की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब तक ये कहा जाता रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर ही फैलता है। कुछ अध्ययन में संक्रमितों द्वारा उपयोग में ली गई चीज़ों को छूने से भी संक्रमित होने की बात सामने आई है, लेकिन अर्जेंटीना के उशुआया में ये ऐसा मामला सामने आया है जिसने विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि कुछ लोग अंदाज़ा जता रहे हैं कि शायद जब उन लोगों की कोरोना जाँच हुई थी तब उसमें कुछ खामियां रह गई होंगी। फिलहाल का आलम यह है कि पॉजिटिव पाए गए 55 लोगों को जहाज पर ही रखा गया है, जबकि 2 की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अर्जेंटीना गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस मामले पर निगाह बनाकर रखे हुए है और एक्सपर्ट्स इस मामले की जांच कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में हमें प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।